यूक्रेन के साथ जंग में अमेरिका और नेटो देश रूस को चौतरफा घेरने में लगे हैं। सभी रूस को अलग थलग करना चाहते हैं, मगर रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन के तेवर ने एक बात साफ कर दी है कि अब ये जंग और बढ़ने वाली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के कई मायने निकाले गए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। साथ ही रूस के साथ भी अमेरिका की तनातनी है, जिसकी वजह से जंग बढ़ने की सुगबुगाहट और तेज हो गई। पूरी दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान और वियतनाम अमेरिका के जानी दुश्मन हैं। ये चार देश ऐसे हैं, अगर अमेरिका से युद्ध की नौबत आए तो ये देश पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह है कि यूक्रेन जंग में अलग थलग पड़े पुतिन अमेरिका के दुश्मनों को दोस्त बनाने में लगे हैं। इस सब के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया की यात्रा के बाद अब वियतनाम पहुंचे हैं, और वियतनाम में उनके एक बड़े ऐलान ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दिया है। जी हां, पुतिन ने अब उत्तर कोरिया को हथियार देने की बात कही है। Но мы исходим из того и надеемся на то, что и наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой будут в известной степени сдерживающим фактором для того, чтобы этот кризис не перерос в какую-то горячую фазу. Оружие можно считать актом агрессии, обстрелы Белгорода? Я вот и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю. अपने वियतनाम दौरे के दौरान पुतिन ने एक और बड़ा ऐलान किया, जो परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर था। पुतिन ने साफ किया कि मॉस्को परमाणु हथियारों के उपयोग पर अपनी पॉलिसी में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही शांति समझौते पर हुई चर्चा को लेकर पुतिन ने कहा, रूस हमेशा से बातचीत करने को तैयार रहा है, जबकि कीव और उसके पश्चिमी समर्थकों ने मिन्स्क प्रक्रिया और इस्तांबुल वार्ता दोनों को विफल कर दिया। यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थकों ने कहा कि रूस की शर्तें हमेशा मान्य नहीं रहेंगी, ये शर्तें जमीनी स्थिति के आधार पर बदली भी जाएंगी। यूक्रेन जंग में रूस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। उसने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की अब चिंता नहीं है। यही वजह है कि पुतिन अब सामने से खुलकर चीजों को करने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के तहत रूस की ओर से नॉर्थ कोरिया को कुछ भी दिया जाना प्रतिबंधों के खिलाफ है। इसमें हथियार से लेकर एक नॉर्मल गिफ्ट भी शामिल है, लेकिन पुतिन ने इन सब रुकावटों को दरकिनार कर दिया है। और यही वजह है कि इस लेन देन की शुरुआत पुतिन ने किम को एक कीमती कार गिफ्ट करके की है। पुतिन ने रूस में बनी ऑरस सिनेट लेमुजीन कार किम जोंग को तोहफे में दिया है। रूस अब दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर खुद को और अधिक मजबूत करने वाली नीति पर काम कर रहा है। जाहिर है पुतिन के इस बयान से अमेरिका समेत नाटो देशों में खलबली जरूर मच गई होगी, क्योंकि पुतिन अब उन देशों को मजबूत कर रहे हैं जिनसे अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी रहती है। क्योंकि जंग में जिस तरह रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद कर उसे सपोर्ट किया, उससे रूस को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी कड़ी में प्योंगयांग से हनोई पहुंचे पुतिन ने किम जोंग उन के साथ रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया। साथ ही वियतनाम की उनकी यात्रा को हनोई के साथ संबंधों को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें व्यापार और परमाणु हथियार की मदद शामिल है। बता दें कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भी उत्तर कोरिया पर खूब सारे प्रतिबंध लगाए हैं। रूस और नॉर्थ कोरिया की हालत इस मामले में एक जैसी है, और यही कारण है कि पुतिन दुश्मन देशों को अपने पाले में लेकर अमेरिका और पश्चिम की इन जंजीरों को तोड़कर रूसी खेमे को मजबूती देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।